नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम इस यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस के बारे में, और इन प्रिसाइज आई वुड से कि मेंस में ऑप्शनल के बारे में। और इस बारे में जो है बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2017 की टॉपर, जिन्होंने रैंक 16 हासिल करी है, और उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद जो है उस एग्जाम से हासिल किया है, मिस आरुषि मिश्रा का। स्वागत तो है मैम आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। मैम, आपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लर्नर्स को। हाय ऋषभ हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरुषि मिश्रा है। मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं पे करी है और उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद मैंने सिविल की तैयारी स्टार्ट करी। और ग्रेजुअली जो मैंने अपनी तैयारी में सीखा, और स्पेसिफिकली एज एन इंजीनियर जब हम ह्यूमैनिटीज लेते हैं एज एन ऑप्शनल, तो क्या हमें परसेप्शन होता है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि आज आपसे बात करते हैं। जी, जैसे कि मैम आपने बताया कि आपने ह्यूमैनिटीज सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आपने ये एग्जाम दिया था, तो और आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो सबसे पहले आपने ये ऑप्शनल चूज कैसे किया, कि आपने क्या देख के आपने इस ऑप्शनल को सेलेक्ट किया? देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, तो वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन स्पेसिफिक एक ऑप्शनल होता ही नहीं है। जब हम सिविल्स की एग्जाम लेते हैं उसमें दो या तीन ही ऑप्शनल्स हैं, जो कि बहुत ही पोर ब्रांचेस होती हैं, वो ही ली जाती हैं। तो एक तो पहला रीजन, तो बेसिक रीजन मेरा यही था। फिर दूसरे रीजन पे हम जब आते हैं कि जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का, तो नो डाउट वो स्कोरिंग होते हैं, लेकिन उनको प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो काफी होलिस्टिक और काफी बड़े होते हैं एज अ सब्जेक्ट। मेरा ये नहीं कहना है कि जब हमने सोशियो चूज करा या हम कोई भी ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं तो वो बड़े सब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इनसे फायदा ये होता है, अगर हम सोशियो इन पर्टिकुलर जाएं तो एक तो अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट में ओवरलैप बहुत ज्यादा है। हम GS 1 2 3 4 जब जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है, चाहे आप एग्जाम्पल से ले लें, चाहे आप पेपर 1 के सोशल इश्यूज से ले लें, तो ग्रेजुअली आपका ओवरलैप हर जगह होता है। दूसरी चीज में क्या होता है कि जब हम ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन लेते हैं तो पढ़ना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये आपके अगल बगल हो रही चीजें होती हैं। तो सोशियो इन पर्टिकुलर हम बात करें तो जो हम अपने अगल बगल देखते हैं, जो हम एक लेमैन की तरह देखते हैं, उसको अगर हम एक एज अ सब्जेक्ट देखते हैं तो उसका नजरिया बदल जाता है, लेकिन चीजें वही होती है, एग्जाम्पल्स वही होते हैं। तो एक इटसेल्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको पढ़ने में इतना मजा आता है कि वो मेहनत कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा होने लगता है, और अल्टीमेटली उससे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो है, जो साइंस के ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके ह्यूमैनिटीज लेना होता है, वो यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी ही प्रेफर करते हैं। जी मैम, तो जैसे आपने बताया कि आप साइंस ग्रेजुएट, बेसिकली आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी अप्रोच क्या रही इस ऑप्शन को लेकर, कि किस अप्रोच के साथ आपने इसको प्रिपेयर किया? देखिए, अप्रोच में अगर हम इंजीनियर हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि जो हमारी एज एन इंजीनियर हैबिट होती है वो हम सिर्फ पॉइंट्स पे बात करना पसंद करते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि एक्स होता है तो उसके बाद वाई होगा, लेकिन जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो एक्स हो रहा है तो इसका जरूरी मतलब नहीं कि उसका रिजल्ट वाई आए। इसमें चीजें बदलती हैं क्योंकि उसमें सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं में बात आती है पर्सपेक्टिव्स की। तभी जब हम ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो इसमें आते हैं थिंकर्स। थिंकर्स का रोल ही यहीं पे आता है, क्योंकि एक चीज होने का मतलब सिर्फ दूसरी चीज उसके फॉलो अप नहीं होगी। तो एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में जो आपको समझाना चाहूंगी कि जब हम ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ें तो हम ध्यान रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम अपने व्यूज बना रहे हैं, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं और जब हम आंसर लिखते हैं तो जो थिंकर्स ने बोला है सबसे पहले उनकी बातों को फोकस करें और उनके नाम के साथ सहित कोट करके लिखें आंसर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम एज अ जो मैंने गलती करी थी एक दो बार, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत सारे थिंकर्स के बारे में बात करती थी, और उसके बाद मुझे बहुत जगह ये समझ में आया, लोगों ने ये बताया कि थिंकर्स कोट करने की जरूरत है नहीं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ठीक है, हम पॉइंट में आंसर लिख देंगे और थिंकर्स को क्या जरूरत है कोट करने की, जो फॉर एग्जांपल माइग्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे आप अभी यूपी में माइग्रेशन देख रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है बड़े से शहरों से, तो प्रॉब्लम्स आ रही है। एज एन इंजीनियर, आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि आप 1 2 3 4 पॉइंट्स डालेंगे कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है और उसके
रिपरकशंस क्या होंगे, आप ये डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जीएस का आंसर नहीं है। तो इसमें आप पॉइंट्स अगर लिखते हैं तो भी 4-5 लाइन के पॉइंट्स होने चाहिए, या पैराग्राफ में लिखिए, पहले आइडिया प्रेजेंट करिए और उसमें कहीं पे वो थिंकर डालिए कि कोई एक्स वाई जेड थिंकर ने माइग्रेशन पे क्या कहा था। उससे क्या होता है कि आपका अपना पर्सपेक्टिव भी दिखता है और बैकिंग अप थिंकर से दिखती है। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने हिसाब से बातें करते हैं, हम उसमें पॉइंट्स बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, जीएस की तरह आंसर लिख देते हैं एज एन इंजीनियर, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं होता। जी तो जैसे कि ये तो बात हो गई कि क्या हमें जो है उसके अंदर क्या चीजें नहीं करनी है सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हुए, तो अब एक सोशियोलॉजी के लिए एक वे ऑफ आंसर राइटिंग होना चाहिए कि सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल आप लेके कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या वे ऑफ राइटिंग आपका, मतलब किस पॉइंट से स्टार्ट होकर किस पे होना चाहिए। अभी तो ये बातें हो गई कि क्या नहीं करना है, अब ये कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब बिल्कुल, जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के सोशियोलॉजी में, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले ये डाउट होता है कि हम पॉइंट्स में लिखें या हम पैराग्राफ्स में लिखें। जो मेरा आपसे सजेशन होगा कि आप पैराग्राफ्स में लिखिए, लेकिन ये बात स्वाभाविक है कि कहीं आपको पॉइंट्स लिखने की इच्छा भी आती है अक्सर, तो आप पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो वो 4-5 लाइन से छोटे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे हम जीएस में 1-1.5 लाइन का भी लिख सकते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए सोशियो में। आप कोशिश करिए कि आप पैराग्राफ में लिखें और पूरे पूरे पेपर्स कवर करें, मतलब पूरी जो शीट, अगर 4 शीट दें तो चारों कवर हो। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कभी कभी वर्ड एक्सीड करने की प्रॉब्लम आती है हमारे पास हमेशा, अगर हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप अपने वर्ड्स की स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, आप दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दीजिए या दो लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, लेकिन आप उसको पैराग्राफ में लिखिए। जो दूसरा डाउट आता है कि हम कैसे लिखें, हमने अपने मन में जो हम किसी टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं या हम थिंकर्स ही थिंकर्स को कोट करें, तो दोनों ही एक्सेस गलत है। आपको थिंकर्स को स्वाभाविक रूप से कोट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आंसर आपसे पूछा गया तो आपने 12 थिंकर लिख दिए उसमें उठा के आपको आते हैं, ऐसा नहीं है। 2-3 थिंकर्स के पर्सपेक्टिव दीजिए, 2-3 पैराग्राफ उनके, फिर एक एग्जाम्पल लेके आइए जिस जो आपने अपने, जैसे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल लेके, यूपी का एग्जाम देंगे तो आप यूपी पीसीएस वाला एग्जाम्पल आइए कि माइग्रेशन से फॉर एग्जाम्पल अभी जो जो जनता गई है इलाहाबाद में, चंदौली में या रायबरेली में, तो वो क्या प्रॉब्लम आई आपने अखबारों में रोज देखा होगा आजकल, आप वो लिखिए और उसके बाद 1-2 पैराग्राफ में अपना पर्सपेक्टिव दीजिए, तो उससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट जो हमें करना चाहिए आंसर राइटिंग जब हम लिख रहे हैं, तो इसमें एक डाउट आता है बच्चों के मन में कि हम फैक्ट्स ज्यादा लिखें या हम एग्जाम्पल्स ज्यादा लिखें। तो जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की अप्रोच होती है वो होती है एग्जाम्पल्स ज्यादा होने की, कि आपने ये एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल भी फॉर एग्जाम्पल की तरह नहीं लिखा जाता है, इसमें यूजुअली लिखा जाता है एज वी हैव सीन इन एक्स वाई जेड इंसिडेंट, है ना। आप उसको बाकायदा एग्जाम्पल लिखने से बचिए कि एग्जाम्पल ये, क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर्स को अच्छा दिखने में नहीं लगता। उसके बाद अगर हम आते हैं कि हम कंक्लूजन, ये तो हमने पैराग्राफ वाइज लिखते गए, अब हम कंक्लूजन क्या लिखें, तो देखिए कंक्लूजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लिख सकते हैं कि जो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है, तो आप वो जरूर लिखिए। आपने अगल बगल कोई एग्जाम्पल देखा हो, आप देखिए कि ये स्कीम की वजह से फॉर एग्जाम्पल ये हो रहा है। या जो मैं आपसे एक सजेशन दूंगी कि आप ये कर सकते हैं, सिंस आपके पास काफी टाइम मिल गया है क्योंकि अभी एग्जाम में डिले है, तो आप हर टॉपिक के ऊपर हमेशा नई रिसर्चेस चल रही होती हैं, आप गूगल करिए और उनकी नई रिसर्चेस लेके आइए और एक शॉर्ट नोट बना लीजिए नई रिसर्च का। तो आप एग्जाम्पल डालिए कि सर ये जो चीजें हो रही हैं इस पे एक नई रिसर्च चल रही है एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी की या किसी फलाने प्रोफेसर की, तो उससे आपके आंसर को एक बहुत ही डायनेमिक व्यू मिलता है। तो अगर आप ये करते हैं मोटे मोटे हिसाब से, तो आपका आंसर जीएस से डिफरेंट होता है, और एज एन इंजीनियर हमको समझ आता है कि हम क्या गलती ना करें, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी से अगर हमने लिखा तो मार्क्स बहुत कम आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जी तो पिछले कुछ वीडियोस पे हमारे कुछ लर्नर्स का एक कमेंट था कि मैम हिंदी मीडियम में ज्यादा बेटर रहेगा या इंग्लिश मीडियम में करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए इसमें ये डिपेंड करता है कि आपको कंफर्ट किस में है। अगर हम सिर्फ मेंस की बात करें तो आपको अगर कंफर्टेबल है कि आप हिंदी में लिख सकते हैं तो आप हिंदी में लिखिए, कंफर्टेबल है आपको आप इंग्लिश में लिखिए तो आप इंग्लिश में लिखिए। लेकिन जो ये मन में डाउट होता है कि जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनके नंबर ज्यादा आएंगे, ऐसा डाउट जरूरी है कितना ये मुझे, मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे साथ में बहुत लोग थे जो इंग्लिश मीडियम से भी थे
और जिनका सेलेक्ट होने में दिक्कतें आई, लेकिन जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि अभी हिंदी मीडियम से हैं और मैक्सिमम लोग वही हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, तो ऐसा कोई बायस नहीं है, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करिए और आप वो लिखिए। और हर में तरीका यही होना चाहिए, एग्जाम्पल्स यही होना चाहिए, बस लिखने का ढंग आपका हिंदी या इंग्लिश है, वो आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स बताने के लिए अपने इस ऑप्शनल के बारे में। बेसिकली आई होप कि लर्नर्स के लिए काफी इफेक्टिव रहा होगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को और पहले भी बताया है कि एक 30-day मैराथन चल रही है जहां पर ऑप्शनल के लिए जो है डेली क्लासेस हो रही हैं। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके UPTCS कैटेगरी में रोज रात को 9 बजे वो क्लासेस देख सकते हैं। ओके, तो आप उससे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैम ने बोला कि अभी और ज्यादा हमें वक्त मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए, तो हम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैम ये बातें हो गई हमारी मेंस के लिए भी बातें हो गई, हमारी प्रीलिम्स के लिए भी जैसे हो गई, और हमारे लिए ऑप्शनल के लिए भी बातें। बट अभी जैसे कुछ और डाउट्स होते हैं हमारे लर्नर्स के पास कि जैसे सोशियोलॉजी में ही अगर आप ले लेते हैं, तो सोशियोलॉजी में जैसे अभी मैंने आपसे पूछा हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए, तो जैसे आपने बताया कि वो उनके उनके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उनके कम्फर्टेबल पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे कुछ और डाउट्स भी होंगे हमारे लर्नर्स को, तो आप कमेंट्स पे बता सकते हो जिससे कि इसका हम और ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर सके, या फिर इसके ऊपर अगर हम वीडियो बनाना चाहें तो वो भी हम बना सके। तो वो कमेंट्स जो है आप जरूर डालिए इस वीडियो के नीचे, जिससे कि हम जो है आपको और ज्यादा बेटर वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मैम आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।